जिस तरीके से जनसभा को आपने संबोधित किया है, क्या कहेंगे विभिन्न कार्यों का उद्घाटन करना? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद विकास कार्य काफी तेजी से शुरू हो चुका है। रिठाला गांव के अंदर चौतरफा विकास का काम हो रहा है, चाहे वो गेट का निर्माण हो, चाहे चौपालों का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो। आज उन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन यहां पर किया गया है। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में जो ये सारा काम हो रहा है रिठाला गांव में, उन सभी परियोजनाओं को तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर जितने गांव हैं, सभी गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए चारों तरफ काम किए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का जो एक संकल्प है कि हम काम करेंगे, भाजपा चाहे जितने भी परेशान करती रहे, हम काम करते रहेंगे, और उसी मिशन के तहत आज रिठाला गांव में ये विकास कार्य शुरू हुए। आज जिस तरीके से विभिन्न कार्यों का उद्घाटन किया गया है, कब तक ये कार्य पूरे हो जाएंगे और कब तक जनता आगे से टाइम देंगे? आप मेरे आगे बताएं। ये सभी के सभी कार्य बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। चौपालों का काम चलता रहेगा, लेकिन सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं रिठाला गांव की, वो सभी के सभी बनके तैयार हो गए। सर, आज जिस तरीके से गोपाल राय भी यहाँ पर पहुंचे हैं, कितनी खुशी है, कितना जनसैलाब हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, चारों तरफ जहाँ पर भी जाते हैं लोगों का जनसैलाब होता है, लेकिन रिठाला ग्राम वासियों ने अपना विशेष प्यार दिया है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी तरफ से क्षेत्र की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। छठ पूजा को लेकर क्या तैयारी? छठ पूजा की पूरी तैयारियां हैं और आज छठी मैया के नाम के ऊपर एक छठ पूजा द्वार का यहाँ पर आज ये शिलान्यास किया गया। एक साथ कई विकास कार्यों का आज उद्घाटन किया गया है, इससे रिठाला वासियों को कितना फायदा मिलने वाला और कितनी सुविधाएं उनके लिए आने? ये पूरा का पूरा फायदा रिठाला वासियों के साथ साथ रिठाला के अंदर जो भी लोग आते हैं, वो चाहे काम करने के लिए आते हैं या फैक्ट्री वाले होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, प्यारे मित्र होते हैं, तो ये सभी के लिए सभी का फायदा है।